हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक और रोमांचक वीडियो में। आज हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे शुरुआती मानवों ने आइस एज जैसे बेरहम टाइम पीरियड में ना केवल खुद को जीवित रखा बल्कि बदलते हुए कंडीशंस में नई सर्वाइवल तकनीकों के साथ खुद को पृथ्वी पर विकसित किया। सो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आइस एज, जिसे प्लेस्टोसीन युग के रूप में भी जाना जाता है, लगभग 2.5 मिलियन से 11,500 साल पहले तक पृथ्वी पर चला था। यह प्रागैतिहासिक टाइम पीरियड के दौरान पृथ्वी पर तीव्र ठंडे तापमान और पृथ्वी के विशाल क्षेत्रों में बर्फ के चादर बिछी हुई थी। लेकिन हमारे प्राचीन पूर्वजों ने ऐसी चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों को आखिर कैसे सहा, आइए उनके अविश्वसनीय कहानी में गोता लगाते हैं। आइस एज के दौरान जलवायु में नाटकीय परिवर्तन हुए, तापमान गिर गया और विशाल बर्फ की चादरें उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया के अधिकांश भाग में आच्छादित हो गई। औसतन तापमान आज की तुलना में लगभग 10 से 15 डिग्री सेल्सियस कम हो गई। नतीजन भोजन और आश्रय जैसे संसाधन पूरी तरह से दुर्लभ हो गई थी। प्रारंभिक मानव, जिन्हें होमो सापियंस के रूप में भी जाना जाता है, एक उल्लेखनीय उत्तरजीवी थे। उन्होंने नई रणनीतियों को विकसित करके और अपनी बुद्धि का उपयोग करके बदलते हुए परिवेश को अपनाया। तो फिर आइए उनकी कुछ प्रमुख तकनीकों का पता लगाएं, जिससे शुरुआती मानवों ने आइस एज जैसे कठिन परिस्थितियों को झेला था। जैसे जैसे तापमान में गिरावट आई, शुरुआती मनुष्यों ने विभिन्न तरीकों से आश्रयों का सहारा लिया। उन्होंने गुफाओं जैसी प्राकृतिक आश्रयों का लाभ उठाया, जो कठोर ठंड और शिकारी जीवों से सुरक्षा प्रदान करती थी। इसके अतिरिक्त उन्होंने लकड़ी, जानवरों की हड्डियों और खाल जैसी सामग्रियों का उपयोग करके अल्प विकसित आवासों का निर्माण किया। प्रारंभिक मनुष्यों ने भी आग की परिवर्तनकारी शक्ति की खोज की थी। उन्होंने आग पैदा करना और उसे नियंत्रित करना सीखा था, जिसने न केवल गर्मी प्रदान की बल्कि शिकारियों के खिलाफ बचाव के रूप में भी काम किया। आग ने उनके अस्तित्व में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रकाश का स्रोत, खाना पकाने का साधन और खतरनाक जानवरों के लिए एक निवारक की पेशकश की। आइस एज के दौरान भोजन पूरी तरह से दुर्लभ हो गई थी, लेकिन शुरुआती मनुष्यों ने अपने शिकार और भोजन को इकट्ठा करने के कौशल को बेहतर बनाया ताकि वे जीविका प्राप्त कर सके। उन्होंने अपनी शिकार तकनीकों को शिकार की बदलती उपलब्धता के लिए अनुकूल बनाया और बड़े स्तनधारियों को मारने के लिए प्रभावी रणनीतियां विकसित की। उन्होंने मेमथ, उन्हीं गेंडों और हिरण जैसे जानवरों पर नजर रखी और उनका शिकार किया, जो उन्हें आवश्यक प्रोटीन और वसा प्रदान करते थे। शिकार के अलावा प्रारंभिक मानव पौधे आधारित खाद्य पदार्थों को इकट्ठा करने पर निर्भर थे। उन्होंने सुरक्षित और पौष्टिक स्रोतों की पहचान करने के लिए पौधों के अपने ज्ञान का उपयोग किया। खाद्य अधिग्रहण के लिए संतुलित दृष्टिकोण ने आइस एज जैसी कठिन वातावरण में भी भोजन के दुर्लभ होने पर भी उनके अस्तित्व को पृथ्वी पर सुनिश्चित किया। ठंडे तापमान का मुकाबला करने के लिए शुरुआती इंसानों ने जानवरों की खाल, फर और पौधों के रेशों से कपड़े तैयार किए। इन कपड़ों ने ठंड से इंसुलेशन और सुरक्षा प्रदान की, जिससे उन्हें भोजन और संसाधनों की तलाश में बाहर निकलने में आसानी मिली। शुरुआती इंसानों ने भी अपने अस्तित्व में सहायता के लिए उपकरण विकसित किए। उन्होंने पत्थर, हड्डी और सींग से तेज भाले, चाकू और स्क्रैपर तैयार किए। ये उपकरण शिकार करने, खाद्य प्रस्तुति और अन्य उपयोगी वस्तुओं को बनाने के लिए आवश्यक थे। जैसे जैसे बर्फ की चादरें फैलती और घटती गई, प्रारंभिक मानव अधिक मेहमान नवाज क्षेत्रों में चले गए। उन्होंने जानवरों के झुंडों को पालन किया, जो भोजन का एक स्रोत प्रदान करते थे। इस निरंतर आंदोलन ने उन्हें नए क्षेत्रों का पता लगाने, मूल्यवान संसाधनों की खोज करने और तदनुसार अपनी रणनीतियों को अनुकूलित करने की अनुमति दी। आइस एज ने महत्वपूर्ण चुनौतियां पेश की, लेकिन शुरुआती मनुष्यों की संसाधन कुशलता, अविश्वसनीय क्षमता ने उन्हें बाधाओं पर काबू पाने में सक्षम बनाया। आग, शिकार, एकत्रीकरण, वस्त्र, प्रवास और सहयोग में महारत हासिल करके वे न केवल आइस एज जैसे हार्श क्लाइमेट कंडीशंस में जीवित रहे, बल्कि आज हमारे पास समृद्ध सभ्यताओं की नींव रखी। आइस एज पर हमारे पूर्वजों की विजय की कहानी पूरे इतिहास में मानव की अडेप्टेबिलिटी और क्षमताओं के लिए एक वसीयतनामा के रूप में कार्य करती है। सो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग लगा तो सब्सक्राइब बटन और नोटिफिकेशन बेल को हिट करना ना भूलें। सब्सक्राइब करके आप हमारी आगे आने वाली वीडियो से अपडेट रहेंगे और हमारी किसी भी वीडियो को मिस नहीं करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।